नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेंट मेरीज मलंकरा हाई स्कूल की तरफ से। बच्चों, जिस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पूर्ण विश्राम, जो आपकी हिंदी सुलभ भारती के पाठ क्रमांक 8 से मौजूद है। तो चलिए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप देख सकें। सबसे पहले आपको लेखक का परिचय करवा देती हूँ। लेखक का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार जी। इनका जन्म हुआ है 1935 लाहौर, अविभाजित भारत। बच्चों, अविभाजित भारत का अर्थ है जब भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान में भारत विभाजित नहीं हुआ था। परिचय, इनका परिचय यह है कि ये सफल संपादक, लेखक और कवि है। इनकी जो भाषा थी वो सरल, सुबोध और बोधगम्य शैली, जहाँ पर लोगों को उसका बोध होता था, और इनकी शैली जो थी वो बहुत ही सरल और रोचक थी। लेखन की विशेषताएं हैं, लेखन व्यवहारिक है, आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है, यानी कि ये प्रमुख रूप से जो लेखन कार्य करते थे किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए लेखन कार्य और उनके चरित्र निर्माण पर। यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ दी गई है, स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इस प्रकार से इन्होंने कई प्रमुख कृतियाँ लिखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने आज़ादी से जुड़े हुए हमारे स्वतंत्र सेनानियों का इन्होंने उस पर प्रमुख कृतियाँ लिखी है, इसलिए यहाँ पर इनकी जो शैली है वो ज़्यादातर चरित्र निर्माण पर इन्होंने अधिक बल दिया है। बच्चों, गद्य संबंधी आपके सामने यहाँ पर एक कहानी प्रस्तुत है, जहाँ पर हास्य व्यंग्य कहानी है, यानी कि जहाँ पर जो लेखक है उसने व्यंग किया है। किस प्रकार से वो हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं, यानी कि जब हम विश्राम करने के लिए बाहर जाते हैं उस वक्त भी ऐसा होता है कि कभी घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो कहानी है उसमें लेखक ने हमारे सामने ऐसा चित्रण किया है कि वो बाहर तो अपने परिवार के साथ जाते हैं पूर्ण विश्राम के लिए, परंतु ऐसी उलझनों में पड़ जाते हैं कि उन्हें वापस आना पड़ता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्लिनिक से, जहां पर डॉक्टर लेखक की बांह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, यानी कि वह ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, और उसने फिर कहा कि कुछ सीरियस नहीं है, मगर आप दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, यानी कि पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे अगर 2 दिन की आप पूरी तरह से छुट्टी लेकर के घर पर विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। यह सुनकर पत्नी बहुत खुश हो गई। घर जाकर उन्होंने श्रीमती जी से कह दिया। यहाँ पर लेखक कहते हैं अपनी पत्नी से कि जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया, यानी कि अलार्म घड़ी में रात के 2 बजे का अलार्म लगा दिया। स्वयं वो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी जो पत्नी थी लेखक की, वह रात के 2 बजे के पहले ही उठ बैठी और पूरी लिस्ट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया और बनाकर लेखक के हाथ में उन्होंने दे दिया।
इस प्रकार से बच्चों, लेखक की पत्नी और लेखक रात के 2 बजे से ही उन्होंने तैयारियां करना शुरू कर दिया। अब आगे लेखक की पत्नी गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। यानी कि जो उनकी कार थी उसके लिए जो ज़रूरत के सामान थे वो सारी चीज़ें उन्होंने लिस्ट में लिख दिया। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी एक जगह का नाम है जो यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर उन्होंने एक मिस्त्री लेकर आए और अपनी कार की जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उसकी मरम्मत करवाई। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। एक दिन तो बच्चों ऐसे ही चला गया कि मोटर यानी कि जो कार वो लेकर जाने वाले थे उसकी मरम्मत और उसके लिए जो ज़रूरत के सामान थे वो लाते लाते रात हो गई। अब रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। यानी कि अब हम जुहू तो जा ही रहे हैं, पूरा दिन वहाँ पर हम आराम करेंगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर को पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। बच्चों, मुआयना का अर्थ होता है निरीक्षण। तो यहाँ पर उन्होंने सारा निरीक्षण कर लिया था कि ज़रूरत का सारा सामान घर में आ चुका है और सब कुछ कार में रख दिया गया है। अगले दिन सुबह ही सुबह लेखक और उनकी श्रीमती जी रोशनी ना होते हुए भी यानी कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच में जुहू की तैयारी में वो जुट गए। स्टोव को आज ही धोखा देना था। जैसे ही उन्होंने सोचा कि चाय बनाने का प्रोग्राम पहले किया जाए तो स्टोव जल नहीं रहा था, उसमें तेल भरने धोखनी करने में ही आधा घंटा चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। स्थगित का अर्थ है बच्चों कैंसिल कर दिया गया। हम दत्तचित हो तैयारी में जुट गए। दत्तचित का अर्थ है एकाग्र मन से दोनों पति पत्नी तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी ना की होगी। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ नेपोलियन बोनापार्ट एक महान और विजयी सेनापति, फ्रांस के एक महान बादशाह थे जिन्होंने हारना कभी सीखा ही नहीं था। उन्होंने अपने मजबूत इरादे और अटूट दृढ़ संकल्पों के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा कायम कर विश्व को अपनी ताकत और बहादुरी का परिचय करवाया था। वाटरलू एक ऐसा स्थान है जहां पर वो युद्ध में पराजित हो गए थे। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी ना की होगी। ऐसी महत योजनाओं यानी कि महान योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। मन वचन कर्म से ही इंसान किसी भी कार्य को अगर करना चाहता है तो पूरा कर सकता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भुलाना था यानी कि लेखक को भुलाना था। श्रीमती जी उन्हें हर पल उनको याद दिला रही थी कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है करना। और इस वजह से लेखक कहते हैं मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया यानी कि लेखक ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। लेखक की पत्नी कहती है, अचार तो मैं रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। लेखक कहते हैं, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद ना भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। आगे लेखक की पत्नी कहती है, गुलबंद तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा।
बेदिंग सूट का अर्थ है बच्चों जो नहाने के वक्त कपड़े पहने जाते हैं, स्विमिंग पूल या फिर समुद्र में, समुद्र के पानी में नहाने के लिए। आगे लेखक कहते हैं, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। तो रबर कैप का अर्थ होता है जो पानी से हमारे सर को बचाए रखता है, वह कैप, उसे कहते हैं रबर कैप। आगे लेखक की पत्नी कहती है, वह तो मैं रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी नहीं भूल जाना। अब लेखक पूछते हैं उनसे, राइटिंग पैड का तुम क्या करोगी? अब पत्नी उन्हें जवाब देती है, कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर तो खाली बैठे रहूंगी, जवाब भी दे दूंगी उन्हें, राइटिंग पैड रहेगा तो अपनी माँ को चिट्ठी लिख लूंगी। ऐसे तो हमें कोई वक्त भी नहीं मिलता है, ऐसे कोई फ्री टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं चिट्ठी लिख सकूं। और उसके बाद वो कहती है, और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। आगे लेखक कहते हैं, और सुनो, बिजली के बिल और बीमा की नोटिस आ पड़ी है, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना, यानी कि बिजली का बिल भरना है और LIC का पेमेंट जो करना है उसके बिल्स भी रख लीजिए। उनकी पत्नी कहती है, उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए थे तो सर का दर्द चढ़ गया था, यानी कि धूप का चश्मा अगर हम नहीं लेकर जाएंगे और छतरी नहीं लेकर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत करारी धूप पड़ती है जिससे सर दर्द हो सकता है, उसे रखना मत भूलना। अब लेखक कहते हैं, अच्छा बाबा रख लूंगा, और देखो धूप से बचने की क्रीम जरूर रख लेना, शाम तक नहीं तो छाले पड़ जाएंगे, धूप से बचने की क्रीम यानी सनस्क्रीन लोशन ये जरूरी है रखना, नहीं तो इतनी कड़क धूप होती है वहाँ पर, शाम तक छाले पड़ जाएंगे। श्रीमती जी कहती है, तो जा रही थी रख लूंगी लेकिन ढूंढ रही थी नील कटर, कैची ब्रश तो सब कुछ मिल गया था लेकिन नील कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। लेखक कहते हैं, जाने दो नील कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर लेखक अपनी दूसरी तैयारियों में जुट गए, नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जैसे कि बहुत दिनों से जिसे समालोचन करना था। समालोचन का अर्थ है जब किसी दूसरे लेखक द्वारा लिखी हुई किताबें या फिर लेखनी कार्य के संबंध में आलोचना करना, उसके गुण और दोष बताना। अब लेखक सोच रहे थे, वहां पे फुर्सत से उन किताबों का समालोचन कर दूंगा। आखिर तीन किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों कविता करने की भी धुन सवार थी लेखक को, उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मैं कविता करूं, और बहुत सारे उनकी पंक्तियां उन्होंने लिख करके रखी थी यहाँ वहाँ, उन पन्नों को उन्होंने जमा किया और उसके बाद उसे रख लिया। लेखक ने सोचा काव्य प्रेरणा के लिए, यानी कि कविता लिखने के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिरकार लेखक और उनकी पत्नी कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर जुहू पहुंच गए। 5-7 मिनट तक उन्हें ऐसा लगा कि वो सपने लोक में विचरते रहे। लेखक कहते हैं, हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर यानी किनारे पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क पर क्या नई स्फूर्ति आ गई, यानी कि उनके दिमाग पर क्या नई तेजी आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, लेखक से पूछा, तुम्हें याद है कि बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? अचानक से उन्हें याद आया कि बरामदे की खिड़की अंदर से बंद है या नहीं। अब लेखक ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। लेखक की पत्नी कहती है, अगर वह बंद नहीं हुआ और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। रंग पीला पड़ना का अर्थ है बच्चों घबरा जाना। श्रीमती जी का चेहरे का रंग पीला पड़ गया, वो बहुत घबरा गई। लेखक कहते हैं, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। जैसे ही लेखक ने कहा कि चलो छोड़ो अब ये सब सोच के क्या मतलब है, जो होना होगा वह होगा, यह सुनते ही श्रीमती जी के आंखों में आंसू आ गए। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा, यानी कि अगर कोई चोर घर में चला गया
और बहुत सारी चीजें नुकसान कर दी, चोरी हो गई, तो फिर मैं क्या करूंगी? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? ये सारी चिंता लेखक की पत्नी को सताने लगी। इस प्रकार अपनी पत्नी को चिंता में देख करके लेखक भी चिंतित हो गए। यह सोच उनकी अधीरता यानी कि बेचैनी और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने के लिए वो जुहू आए थे वह 10 गुना बढ़ गई थी। लेखक ने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था। लेखक के दिल का धड़कन उससे भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से वे दोनों जुहू बीच पर आए थे उसके दुगनी रफ्तार से दोनों वापस घर लौट आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। बदस्तूर का अर्थ है बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक था। लेखक ने ही वह चटकनी लगाई थी, लेकिन वह लगाकर भूल गए थे कि लगाया खिड़की की चटकनी लगाई है या नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो लेखक के दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की भी दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्हें याद आ रहा था कि डॉक्टर ने उन्हें पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी थी, यानी कि पूरी तरह से विश्राम करना, तभी आप पूर्ण तरह से निरोग हो जाएंगे, पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। अब लेखक को विश्वास हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह अपूर्ण रह जाता है। पूर्ण शब्द ही भयावह हो जाता है, यानी कि डरावना हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कहानी का समाप्ति होती है। यहाँ पर आप इस हास्य व्यंग्य कहानी से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर लेखक किस प्रकार से विश्राम करने की वजह से बाहर जाने के बाद भी वह पूरी तरह से अपने दिमाग से वो सारी चीजें निकाल नहीं पाते हैं और वापस से घर भागकर आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथ में भी होती है। हम घर से बाहर निकलते तो है, मगर हमारा मस्तिष्क हमारे घर पर ही रहता है। बहुत सारी बातें हम अपने साथ में लेकर जाते हैं और उस पल का, उस जगह का हम आनंद नहीं ले पाते। इस कहानी को सुनने के बाद यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई है कि जिंदगी के आपाधापी में ऐसे सुकून भरे पल बहुत ही कम मिलते हैं जब हम घरेलू उलझनों से बाहर निकलते हैं। हमें उस पल का आनंद उठाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि लेखक पूर्ण विश्राम करने तो जाते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में भी घटित होती है। हमें यह सीख मिलती है जब भी हम ऐसे पलों का मौका उठाते हैं, अवसर उठाते हैं, तो उस वक्त हमें इन सारी उलझनों को दूर रखना चाहिए, तभी हम पूर्ण विश्राम कर सकते हैं। हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तभी स्वस्थ हो सकते हैं। अगर ये सारी उलझनों को साथ में लेकर चलेंगे तो हम अपने परिवार और उस पल का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ऐसे मौके, ऐसे अवसर हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। इस पाठ में आए कुछ स्वाध्याय प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संजाल पूर्ण कीजिए। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, इसका उत्तर है मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे जीवन का मूल मंत्र, इसका उत्तर है सहयोग, मन, वचन, कर्म। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं लेखक और उनकी पत्नी ने ली थी? उत्तर है पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस, धूप का चश्मा, धूप से बचने की क्रीम, छतरी इत्यादि।
अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। ऐनक, रात, अखबार और घर, इनका पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। ऐनक का अर्थ है चश्मा, रात रात्रि या निशा, अखबार समाचार पत्र, घर गृह या निवास। यहाँ पर आपको गृह कार्य के रूप में स्वयं अध्ययन का एक प्रश्न दिया जा रहा है, इसका उत्तर आप स्वयं लिखिए। प्रश्न है, प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार करिए, यानी कि पुराने जमाने से वर्तमान समय तक जो भी संदेश वहन यानी कि जो मैसेज पहुंचाने के तरीके थे उन साधनों की चित्र सहित सूची तैयार कीजिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।